फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका स्टाइल कॉर्नर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे एंड इस फेस्टिव सीजन को बहुत ही मजे में एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो होने वाली है मीशो साड़ी हॉल पे, जिस वीडियो को आप सब बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो ऐसा मुझे लगता है। तो आज की वीडियो में आपको दीपावली एंड छठ पूजा स्पेशल साड़ियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो फेस्टिवल आने वाला है वो है दीपावली एंड छठ। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही खूबसूरत साड़ियों का कलेक्शन मैंने बनाया है एंड किसी भी साड़ी को अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है। आप देखिए तो सबकी अनपैकिंग आपके सामने ही होगी एंड सुपर डुपर अफोर्डेबल रेंज में मैंने आज का कलेक्शन बनाया है। मोस्टली साड़ियाँ आपको अंडर 500 में देखने को मिलेंगी। सिर्फ एक या दो साड़ी की प्राइस 500 से अबव है, बट वो भी अंडर 600 में एंड स्टार्टिंग रेंज आई थिंक 350 के अप्रॉक्स। चलिए फटाक से पहला पैकेट ओपन करते हैं। एट रैंडम एक पैकेट उठाया, पता नहीं कौन सी साड़ी निकलने वाली है, ओपन करके देखते हैं। एंड मीशो के पैकेट में सही में ओपन करते वक्त ये भी डर लगता है कि जो साड़ी जो चीज ऑर्डर की है वही निकलती है कि नहीं। कलर थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है तो वो तो थोड़ा समझ में आता है, बट जब कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट निकल जाता है तब तो एकदम कह सकते हैं दिल हाथ में आ जाता है। बट ये देखने में तो वही लग रही है जो मैंने ऑर्डर किया था। थोड़ा बहुत पूरा ओपन करके देखते हैं, ये वही साड़ी निकली जो मैंने ऑर्डर की थी एंड इसकी प्राइस मैं आपको देख के बता देती हूँ। एग्जैक्ट प्राइस इस बार मैंने लिखी है, तो ये मुझे 484 में मिली थी एंड इसमें 6 कलर के आपको ऑप्शन मिलेंगे। मैंने आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा पर्पलिश एंड गोल्डन कलर में इसे बाय किया है। तो पूरा ओपन करके देखते हैं कि साड़ी की क्वालिटी कैसी है। नो डाउट बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है एंड फर्स्ट लुक में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं आपको इसके ब्लाउज का फैब्रिक दिखाती हूँ। जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो जैक्वार्ड सिल्क का फैब्रिक है। प्राइस के अकॉर्डिंग 484 में आपको साड़ी मिली है, तो उस अकॉर्डिंग ही आपको इसका फैब्रिक की क्वालिटी देखनी पड़ेगी। तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने सुपर फैब्रिक प्रोवाइड किया है। आप देखिए बहुत ही अच्छा फैब्रिक प्रोवाइड किया है। पर्पल कलर का बेस जो है वो पर्पल कलर का एंड पूरा उस पर गोल्डन कलर का आप देखिए ये जरी वर्क दे रखा है, वुवेन वर्क दे रखा है पूरे ब्लाउज के फैब्रिक पे एंड इस तरह से ब्लाउज के फैब्रिक में आपको बॉर्डर मिलेगा, तो आप स्लिप पे इसे लगवा सकते हैं। मैं एक बार ऐसे दिखाती हूँ आपका ब्लाउज का फैब्रिक, आप देख सकते हैं बनने पे मुझे पर्सनली लगता है बहुत ही खूबसूरत लगे। साड़ी के फैब्रिक की बात की जाए तो ये भी आप कह सकते हैं जैकवार्ड सिल्क या आर्ट सिल्क लाइक फैब्रिक है। जो साड़ी का फैब्रिक है सेम वही ब्लाउज का फैब्रिक है, दोनों के फैब्रिक में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जितने दूर पोर्शन हम साड़ी अंदर की साइड ड्रेप करते हैं एंड जो विजुअल नहीं होता वहां पे आपको ये पर्पल कलर में प्लेन मिलेगा, कोई भी बॉर्डर नहीं मिलेगा, प्लेन नहीं है। आप इस पे ध्यान से देखोगे तो इस तरह से पूरा वुवेन वर्क दे रखा है सेम पर्पल कलर से, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं एकदम पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए हल्का हल्का आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा शेड, डार्क शेड, तो ये पूरा पर्पल कलर से विभिन्न वर्क दे रखा है। तो लगभग 1 मीटर कपड़े पे आपको यही डिटेलिंग मिलेगी, आपको कुछ इस तरह से बॉर्डर मिलेगा पूरा जरी एंड वुवेन वर्क का। आप देखिए बहुत ही अच्छा लगा पर्पल कलर पे, ये गोल्डन कलर ना बहुत ही मतलब खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक एंड हटके लग रहा है एंड पूरी साड़ी में ब्रॉड सा बॉर्डर है। उसके बाद पूरी साड़ी में आपको इस तरह से विभिन्न वर्क मिलेगा जैसा इन्होंने ब्लाउज के कपड़े में प्रोवाइड किया है। आप देखिए पूरी साड़ी में ये पूरा वर्क मिलेगा एंड फिनिशिंग काफी अच्छी रखी है, कोई भी थ्रेड या कोई भी वर्क कहीं से नहीं निकल रहा है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ पूरा वर्क दे रखा है। मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ, नीचे की साइड आपको अगेन सेम वही बॉर्डर है जो इन्होंने ऊपर की साइड प्रोवाइड किया है। इस तरह से थोड़ा सा पतला बॉर्डर है एज कम्पेयर टू नीचे, मिडिल में पूरा इस तरह से आपको वर्क मिलेगा एंड नीचे के साइड थोड़ा सा इन्होंने ब्रॉड सा इस तरह से बॉर्डर प्रोवाइड किया है। मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ। फिनिशिंग की बात करो तो फिनिशिंग काफी अच्छी रखी है। आप बैक साइड से देखिए, ये साड़ी के पीछे वाला पोर्शन है तो फिनिशिंग काफी अच्छी रखी है। की बात की जाए तो आंचल भी अगेन इन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोवाइड किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है साड़ी का आंचल, एकदम पास से दिखाऊंगी तब आई थिंक आपको पूरी डिटेलिंग समझ में आएगी। आप देखिए पूरी साड़ी के आंचल में इस तरह से इन्होंने गोल्डन कलर का विवेन एंड जरी वर्क दे रखा है, बहुत ही बारीकी से काम किया है एंड आप ईच डिटेलिंग देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही खूबसूरत आंचल है एंड लास्ट इन कुछ इस तरह से मिलेगा तो आपको पीकॉक करवाना पड़ेगा। अभी तक मैंने साड़ी को स्टाइल नहीं किया है तो लेंथ विथ का तो आइडिया नहीं, क्योंकि अभी तुरंत आपके सामने ही इसे ओपन किया है। बट अगर लेंथ विथ को छोड़ दिया जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो सुपर डुपर वर्थ ही मुझे ये साड़ी लगी। एक तो इसका फैब्रिक काफी अच्छा है, कलर काफी प्यारा है, जैसा मीशो की साइट पे दिख रहा है एग्जैक्टली आपको वही रिसीव होने वाला है। पूरी साड़ी में आपको हैवी विवेन वर्क मिल रहा है, जरी वर्क मिल रहा है, तो पहनने पर मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये 400 की साड़ी है, एकदम मतलब 2000-3000 की साड़ी वाला लुक देगा। अभी इसे स्टाइल करके देख लेते हैं कि लुक कैसा निकल के आता है एंड साड़ी की लेंथ कितनी है, विथ कितनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये साड़ी स्टाइल करने
पे काफ़ी ग्रेसफुल लुक दे रही है। साड़ी की लेंथ इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है, चौड़ान भी काफ़ी अच्छी रखी है, 5 फीट 5 इंच तक ये लुक तो आराम से इसे वियर कर सकते हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे तो सुपर डुपर वर्थ ही साड़ी लगी। आप किसी भी फेस्टिवल में स्टाइल कीजिए, किसी भी पार्टी में स्टाइल कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। तो अगर पसंद आता है तो मेरी तरफ से तो मस्ट बाई ऑप्शन है। दूसरा पैकेट ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें से कौन सी साड़ी निकलती है। मैं तो वही लग रही है क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जो मैंने साड़ी ऑर्डर की थी वही है। पूरा ओपन करूंगी तब कंफर्म करूंगी। वही साड़ी है बट मुझे लगता है हल्का सा साइड पे जो कलर दिख रहा है एंड जो रिसीव हुआ है हल्का सा कलर का डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा नहीं बट हल्का सा कलर का डिफरेंस लग रहा है। किसी भी प्राइस में आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ, ये साड़ी मुझे 410 रुपीज में मिली थी, तो सुपर दुपर अफोर्डेबल रेंज में। अगेन ये साड़ी पैकिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पैक होके आई है। तो अब इसे भी पूरा ओपन करके देखते हैं कि इसका वर्क कैसा प्रोवाइड किया गया है। साड़ी को भी मैंने पूरा ओपन कर लिया है एंड इसमें भी सबसे पहले हम अपना ब्लाउज का फैब्रिक देखते हैं। बट इस साड़ी में शायद आपको कोई भी कलर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आज मैंने प्राइस कितने कलर के ऑप्शन है सब कुछ नोट डाउन किया है तो आपको एग्जैक्ट बता सकूँ। तो कोई भी कलर ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिंगल कलर है बट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये देखिए स्काई ब्लू या आप कह सकते हैं एक्वा ब्लू एंड डार्क रानी कलर का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही खूबसूरत है। फैब्रिक की बात करूं तो लीची सिल्क फैब्रिक है, साड़ी का भी एंड ब्लाउज के फैब्रिक का भी दोनों लीची सिल्क फैब्रिक है। थोड़ा सा स्मूथ ही आर्ट सिल्क से मिलता जुलता फैब्रिक है। 400 के अकॉर्डिंग फैब्रिक की क्वालिटी सुपर्ब है, मतलब 10 of 10 दूंगी मैं इसको। एंड पूरे ब्लाउज के फैब्रिक में आप देखिए इस तरह से विविन वर्क दे रखा है सेम रानी कलर से। पूरे ब्लाउज के फैब्रिक में आपको ये वर्क मिलेगा एंड इस तरह से ये बॉर्डर मिलेगा, इस पर भी आपको जरी एंड वुवन वर्क का काम मिलेगा। तो ब्लाउज स्टिच करवा के आप इसे स्लिप पे लगवा सकते हो या नेक पे, जैसे मतलब आपकी मर्जी हो उस अकॉर्डिंग आप ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो। तो मुझे लगता है ब्लाउज बनने पे काफी खूबसूरत लगेगा। इतनी दूर पोर्शन, लगभग 1 मीटर कपड़ा जितना हम अंदर के साइड ड्रेप करते हैं, इतनी दूर इन्होंने कोई भी बॉर्डर नहीं प्रोवाइड किया है। बट वही जैसा ब्लाउज के फैब्रिक में इन्होंने वुवन वर्क प्रोवाइड किया था सेम कलर का, उसी तरह इस फैब्रिक में आप देखिए पूरा विविन इस तरह से छोटी छोटी बूटियां बनाई हैं विविन वर्क की। इतनी दूर साड़ी पे आपको इस तरह से डिटेलिंग मिलेगी, मैं नीचे की साइड भी दिखाती हूँ आप देखिए इस तरह से। उसके बाद साड़ी में आपको बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर एंड वर्क मिलेगा। ये देखिए ऊपर भी इस तरह से आपको बॉर्डर मिलेगा पूरा विविन एंड जरी वर्क का, गोल्डन कलर का। आप देखिए पूरा जरी एंड विविन का वर्क दिया रखा है एंड आप पास से देखिए डिटेलिंग काफ़ी खूबसूरत है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है एंड पूरा मिडिल में साड़ी में आपको कुछ इस तरह से वर्क मिलेगा। मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ, इस तरह से बड़ी बड़ी बूटियाँ इन्होंने बनाई हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। नीचे की साइड अगेन आपको इसमें इस तरह से बॉर्डर मिलेगा जैसा ऊपर की साइड में बॉर्डर है। फिनिशिंग की बात करूँ तो अगेन 10 of 10 दूंगी। ये साड़ी का फ्रंट वाला पोर्शन है, बैक साइड से आप देखिए एक भी थ्रेड या एक भी कहीं से कुछ आपको निकला हुआ नहीं दिखेगा। बैक साइड भी ऐसा लग रहा है कि आप इसे मतलब इस तरह भी साड़ी को पहन लेंगे, पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिलने वाली है ऊपर नीचे इस तरह से बॉर्डर की डिटेलिंग, मिडिल में ऐसा वर्क। अब साड़ी के आंचल की बात करूं तो आंचल आपको रानी कलर में मिलने वाला है, बहुत ही खूबसूरत आंचल है। आप देखिए इस तरह से आपको वही सेम बॉर्डर मिलेगा रानी कलर में एंड पूरा मिडिल में आपको इस तरह से विविन एंड जरी वर्क का काम मिलेगा। मैं एकदम पास से आपको इसका बॉर्डर दिखा रही हूँ, आप देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी बूटियां इन्होंने बनाई है, पूरा विविन अंजरी वर्क का काम दे रखा है। यह है साड़ी का आंचल एंड अगेन इस इन पे आपको ये वाला बॉर्डर का डिटेलिंग मिलेगा। लास्ट इन कुछ इस तरह से है तो आपको पीको करवाना पड़ेगा। साड़ी को भी अभी तक मैंने स्टाइल नहीं किया है तो लेंथ विथ की तो बात हम जब स्टाइल करेंगे तब उसमें कर लेंगे, बट अगर लेंथ विथ को छोड़ दिया जाए तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग ये सुपर दूपर वर्थ ही साड़ी है। किसी भी फेस्टिवल में दीपावली में स्टाइल कीजिए, छठ पूजा में स्टाइल कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड साड़ी है तो संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दिन भर कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट उसके बाद वेडिंग सीजन आएगा तो वेडिंग सीजन में भी किसी भी पार्टी में किसी भी फंक्शन में किसी भी वेडिंग फंक्शन में आप इसे ईजिली स्टाइल कर सकते हैं एंड ट्रस्ट में मुझे लगता है स्टाइल करने पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी कि ये 400 की साड़ी है क्योंकि बहुत ही हैवी लुक देने वाली है। चलिए अब स्टाइल करके देखते हैं कि इस साड़ी का लुक कैसा निकला। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये साड़ी स्टाइल करने पे भी बहुत ही ग्रेसफुल लुक दे रही है। साड़ी की लेंथ काफी अच्छी है, साड़ी की चौड़ान भी काफी अच्छी है, 5 फीट 5 इंच तक के लुक तो आराम से स्टाइल कर सकते हैं। किसी भी पार्टी किसी भी फेस्टिवल में स्टाइल कीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड साड़ी है। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग सुपर डुपर वर्थ ही साड़ी है, अगर आपको पसंद आता है तो जरूर इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट पार्सल भी ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसमें से कौन सी साड़ी निकलती है। इसमें से जो साड़ी है वो आई थिंक 500 से अबव की है, ये मुझे 580 में मिला था। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कितनी इंचेस की, 580 में नहीं 508 में मिला था, तो 500 के में ये साड़ी है।
ये साड़ी कुछ इस तरह से है। एंड थैंक गॉड जो साड़ी मैंने ऑर्डर की थी वही निकली। मैंने इसे ऑरेंज कलर में ऑर्डर किया था एंड इसमें आपको 8 और अदर कलर के ऑप्शन मिलेंगे, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बाय कर सकते हैं। ये है साड़ी एंड ब्लाउज, कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी प्यारा लगा, लाइट ग्रीन एंड ऑरेंज कलर। तो फेस्टिवल में स्पेशली दीपावली एंड छठ पूजा में इस तरह की साड़ियाँ पहनने पे मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। फैब्रिक की बात की जाए तो मैंने अभी चेक किया था, मीशो की साइट पे डिटेल दी थी जैकवार्ड का फैब्रिक है, बट ये कहीं से मुझे जैकवार्ड का तो फैब्रिक नहीं लग रहा है। ये मैं थोड़ा सा सिफॉन भी नहीं कहूँगी, थोड़ा सा जॉर्जेट एंड हल्का सा सिल्क का मिक्स फैब्रिक लग रहा है। आप देखिए जॉर्जेट का ही मैं इसे फैब्रिक कहूंगी एंड पूरे फैब्रिक में आपको इस तरह से ये विविन वर्क मिलेगा। चेक पैटर्न में इस तरह से इन्होंने फ्लावर का विविन वर्क दिया है पूरे ब्लाउज के फैब्रिक में। तो ये हो गया ब्लाउज का फैब्रिक एंड कलर आप देख सकते हैं बहुत ही डार्क ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन कलर में है। अब साड़ी देखते हैं, कभी फैब्रिक सेम वही है जो ब्लाउज का फैब्रिक है, कहीं से मुझे तो पर्सनली इसका जैकवार्ड वाला फैब्रिक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सीफॉन या जॉर्जेट एंड सिल्क का मिक्सेस का फैब्रिक है। एकदम ब्राइट ऑरेंज कलर में ये साड़ी है, जैसा मीशो की साइट पे दिखाया गया था एग्जैक्टली आपको वही साड़ी रिसीव होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड साड़ी है तो पहनने पे बहुत ही मतलब कंफर्टेबल फील होगा एंड दिन भर आप इस साड़ी को आराम से कैरी कर सकते। रनिंग साड़ी है, इसमें अलग से कोई भी आंचल या बॉर्डर नहीं डिफाइन है एंड इस पूरी साड़ी में आपको वही वर्क मिलेगा जो ब्लाउज के फैब्रिक में प्रोवाइड है। आप देखिए इस तरह से इन्होंने चेक पैटर्न बनाया है पूरा साड़ी में, आप देखिए एंड पूरा उस पर इस तरह से विविन एंड जरी का काम किया गया, फ्लावर की डिटेलिंग बनाई है, मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ। अब देखिए पूरी साड़ी में आपको ये वर्क मिलेगा। फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग नो डाउट बहुत ही अच्छी रखी है, साड़ी के फैब्रिक में अच्छी सी साइन भी है। इस तरह से आप देखिए पूरा चेक पैटर्न बनाया जरी वर्क का एंड पूरा इस तरह से फ्लावर की डिटेलिंग दी है विविन वर्क से एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है। बैक साइड से देखिए कोई भी थ्रेड नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी मैसी नहीं है, साड़ी ऐसी ही है, कोई भी बॉर्डर की डिटेलिंग नहीं है। मैं नीचे की साइड भी दिखा देती हूँ, बस पूरी साड़ी में आपको यही वाला वर्क मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एंड कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आंचल की बात करूँ तो अलग से कोई भी आंचल नहीं डिफाइन है, जैसी साड़ी है वैसा ही आंचल है ये साड़ी का आंचल, बट आंचल के लास्ट एंड पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से टैसल की डिटेलिंग दी है। इस तरह से आप देखिए ऑरेंज एंड गोल्डन कलर के इन्होंने टैसल लगाया है इस तरह से लेस का यूज करके। टैसल की क्वालिटी भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी रखी है, काफ़ी अच्छे से स्टिचिंग की गई है, बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। साड़ी की भी लेंथ विथ हम स्टाइल करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, बट अगेन लेंथ विथ को छोड़ दिया जाए तो अगेन मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग ये सुपर दुपर वर्थी साड़ी लगी। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड ये जो फैब्रिक है ना एकदम थोड़ा सा बॉडी हगिंग होता है तो आप इजिली पहन लोगे, आपको संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिन भर कैरी कर सकते हो। कलर एंड जो प्रिंट है एकदम फेस्टिवली वाइब दे रहा है, तो आप इसे दीपावली में स्टाइल कर सकते हो, छठ पूजा में स्टाइल करोगे या इनफैक्ट ऐसे भी कोई पूजा पाठ वाला फंक्शन होता है ना उसमें स्टाइल करोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलिए अब स्टाइल करके देख लेते हैं कि लुक कैसा निकल के आ रहा है। ये साड़ी भी स्टाइल करने पे पर्सनली मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड साड़ी है, इजीली ड्रिप हो जा रही है। साड़ी की लेंथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है, काफ़ी ज़्यादा प्लीट्स बन रही हैं, बट जो साड़ी की चौड़ान है वो 5 फीट 4 इंच वालों के लिए, उससे ज़्यादा हाइट वालों के लिए साड़ी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगेन मुझे ये सुपर डुपर वर्थी साड़ी लगी, आप किसी भी फेस्टिवल में स्टाइल कीजिए बहुत ही खूबसूरत लगेगी, तो पसंद आता है तो ज़रूर बाय कीजिए। ओपन करते हैं एंड ये जो साड़ी है ये आज के कलेक्शन में मुझे लगता है सबसे हाई रेंज की नहीं है, ये सेकंड हाई रेंज की है। इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे 580 में मिली एंड इसमें आपको 37 कलर के ऑप्शन मिलेंगे, एक दो नहीं 37 कलर के ऑप्शन। मैंने इसे ग्रीन एंड पिंक कलर में बाय किया, इसमें आपको ब्लू ब्लू के भी डिफरेंट शेड देखने को मिलेंगे, ग्रीन के भी डिफरेंट शेड, मतलब कई सारे कलर के ऑप्शन है। तो मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगी या लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहां जाके चेक कीजिएगा, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कलर पसंद आ जाएगा। जो फैब्रिक है वो कॉटन सिल्क का फैब्रिक है, साड़ी एंड ब्लाउज दोनों का फैब्रिक कॉटन सिल्क का है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का कपड़ा देखते हैं क्योंकि एक साइड इन्होंने ब्लाउज का कपड़ा प्रोवाइड किया है। तो ये है ब्लाउज का कपड़ा, इस तरह से आपको डार्क रानी कलर में या आप कह सकते हैं वाइन कलर में आपको ब्लाउज का कपड़ा मिलेगा एंड ब्लाउज के कपड़े पे आपको इस तरह से ये जरी वर्क एंड विविन वर्क की डिटेलिंग मिलेगी, छोटी छोटी बूटियां बनाई हैं कुछ कुछ डिस्टेंस पे, आप देखिए। तो पूरे ब्लाउज के कपड़े पे आपको इस तरह से ये वर्क मिलेगा, देखिए इस साइड तक एंड इस तरह से ये बॉर्डर मिलेगा दोनों साइड में, तो आप इसे स्लिप पे या नेक पे अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हैं। तो ये ब्लाउज का कपड़ा है एंड मुझे लगता है कि ब्लाउज बनने पर काफ़ी खूबसूरत लगेगा।
अब साड़ी देखते हैं। साड़ी एकदम डार्क ग्रीन कलर में मिल रही है। हमें स्टार्टिंग से ही आपको बॉर्डर एंड पूरी डिटेलिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जितने दूर हम ड्रेप करते हैं उतना दूर प्लेन रखा है, सब कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपको इसमें बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी। रानी कलर पे पूरा गोल्डन कलर का इन्होंने विविन एंड जरी का वर्क दे रखा है। आप देखिए, मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग के साथ है। एंड पूरी साड़ी में आपको इस तरह से छोटी छोटी बूटियों वाला विविन वर्क मिलेगा। ग्रीन पे ये गोल्डन कलर बहुत ही अच्छे से निकल के आ रहा है। आप देखिए, मैं एकदम पास से आपको इसकी डिटेलिंग दिखा रही हूँ। ये मोर का वो पूरा वर्क दिया है। आप देखिए, पास से देखिए तो आपको समझ आ रहा होगा, पूरा इन्होंने ये मोर की डिटेलिंग बनाई है। जो फैब्रिक पे भी इन्होंने पूरा मोर बनाया। साड़ी में आपको इस तरह से वर्क मिलेगा, ऊपर की साइड इस तरह से बॉर्डर, एंड अगेन नीचे की साइड साड़ी में जो बॉर्डर है वो वैसा ही है जैसा ऊपर की साइड इन्होंने बॉर्डर प्रोवाइड किया है। आप देखिए, तो पूरी साड़ी ऐसे ही है, पहले बॉर्डर की डिटेलिंग, फिर छोटे छोटे मोर की डिटेलिंग, पूरा विविन का वर्क दे रखा है, एंड नीचे की साइड इस तरह से बॉर्डर का। आंचल देख लेते हैं, तो आंचल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा इन्होंने ब्लाउज का फैब्रिक प्रोवाइड किया है। आप देखिए, ये है साड़ी का आंचल, थोड़ा सा डार्क वाइट कलर में इस तरह से बॉर्डर मिलेगा। देन आंचल पे सेम वही मोर की डिटेलिंग है जैसा ब्लाउज के फैब्रिक में है। आप देखिए, ये है, मतलब आप कह सकते हैं ब्लाउज का फैब्रिक एंड जो आंचल है वो एग्जैक्टली सेम है। बस डिफरेंस इतना है कि आंचल की लास्ट हिंट पे आपको इस तरह से टैसल की डिटेलिंग मिलेगी, इसकी वजह से पता चल रहा है कि ये आंचल है, तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। एंड जो टैसल यूज किए हैं उसकी भी क्वालिटी आप देखिए काफी अच्छी है, काफी मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा चीप क्वालिटी वाला। आप देखिए, बहुत ही अच्छी है। तो आंचल अगेन बहुत ही खूबसूरत है इस साड़ी का। तो ये साड़ी भी प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे तो सुपर डुपर वर्थ ही लगी। अगर लेंथ विथ को छोड़ दिया जाए ना, तो मैं तो आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी आप आंख बंद करके इस साड़ी को बाय कीजिए, क्योंकि पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लगेगी ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है, फैब्रिक काफी अच्छा है, डिटेलिंग काफी अच्छी है, फिनिशिंग काफी अच्छी दे रखी है। अब स्टाइल करके देखते हैं कि ये साड़ी की ही लेंथ कितनी है, चौड़ान कितनी है, एंड किस हाइट वालों को ये साड़ी आएगी। तो फ्रेंड, आप खुद ही देख सकते हो कि ये साड़ी स्टाइल करने पे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। साड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी है, साड़ी की चौड़ान इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है, प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा बन रही है, 5 फीट 6 इंच तक के लोग मुझे तो लगता है साड़ी को आराम से स्टाइल कर सकते हैं। साड़ी का फैब्रिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट ये साड़ी है। अगर आपको पसंद आता है तो आँख बंद करके आप इस साड़ी में अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, किसी भी फेस्टिवल में किसी भी पार्टी में स्टाइल करने पर बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मैं साड़ी दिखाने वाली हूँ, आज के कलेक्शन में सबसे हाई रेंज की साड़ी है, आई थिंक 600 में मिली थी। बहुत ही खूबसूरत से डार्क पर्पल कलर में या वाइन कलर में आप कह सकते हैं ये साड़ी है। ये जॉर्जेट के फैब्रिक में साड़ी है। हम इसकी साड़ी देखते हैं क्योंकि इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जॉर्जेट के फैब्रिक में साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी इन्होंने फैब्रिक की रखी है। इस साड़ी में लगभग आधा मीटर तक कपड़ा इन्होंने प्लेन रखा है, जितने दूर हम ड्रेप करते हैं अंदर की साइड जो विजिबल नहीं होता, उतने दूर इन्होंने साड़ी में नीचे की साइड कोई भी बॉर्डर नहीं प्रोवाइड किया, एंड ऊपर की साइड तो कोई डिटेलिंग पूरी साड़ी में नहीं है। उसके बाद से साड़ी में ऊपर की साइड तो पूरा प्लेन है, पूरी मिडिल में भी साड़ी प्लेन है, कोई भी मतलब ऐसा वर्क नहीं रखा है, बट बॉर्डर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोवाइड किया। आधा मीटर तक कोई बॉर्डर नहीं प्रोवाइड किया, उसके बाद पूरा ये जरी एंड सिक्वेंस वर्क का इन्होंने बॉर्डर प्रोवाइड किया है। आप देखिए, व्हाइट कलर के थ्रेड से पूरा एम्ब्रॉयडरी दिया, एंड पूरा सिल्वर कलर का छोटा छोटा सीक्वेंस यूज किया। एकदम पास से मैं दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पैच स्टिच करके इन्होंने बॉर्डर प्रोवाइड किया है, पैच की स्टिचिंग भी काफी अच्छी की है, बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। एंड एक बार आप अगेन इसका बॉर्डर देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर प्रोवाइड किया है। तो पूरी साड़ी ऐसे ही है, ऊपर की साइड पूरा प्लेन, मिडिल में भी कोई वर्क नहीं है, एंड नीचे की साइड आपको ये खूबसूरत वाला बॉर्डर मिलेगा। उसके बाद जहां से हम साड़ी में पल्लू लेते हैं, वहां पे अगेन आपको ये बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी, एंड इस तरह से पूरा ये कट वर्क मिलेगा। स्टाइल करने पे कुछ इस तरह से लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। आंचल की बात करूं तो अलग से कोई आंचल नहीं डिफाइन है, जैसी साड़ी है वैसे ही आंचल है, बट अगेन आंचल के लास्ट इन पे आपको ये सेम बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी। इस बॉर्डर की वजह से ही साड़ी का लुक ना बहुत ही हैवी हो जा रहा है, क्योंकि साड़ी बहुत ही प्लेन प्रोवाइड की है, सिर्फ बॉर्डर की डिटेलिंग है, तो ब्लाउज बहुत ही हैवी लुक वाला आपको मिलने वाला है। सेम कलर में मिलने वाला है, कॉटन सिल्क के फैब्रिक में, बट ब्लाउज पे आप देखिए पूरा इस तरह से ब्लाउज के फैब्रिक पे पूरा इस तरह से आपको वर्क मिलेगा, तो बनने पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पोर्शन है ये, आप देखिए पूरा छोटे छोटे बुटीक वाला इन्होंने जो सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है, जब आप स्टिच करवाएंगे तो फ्रंट में आएगा। वैसे ये आपके ऊपर है, आप इस डिटेलिंग को फ्रंट में लगवाते हो या बैक में, बट बनने पे कहीं पे भी डलवाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये वाला जो है पूरा पोर्शन ऐसे स्लिप पे आएगा, पूरा तो आप देख सकते हैं हाफ लेंथ की स्लिप बनेगी,
एंड बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये स्लिप का बॉर्डर है, इस साइड भी आप देख सकते हैं दोनों साइड की स्लिप का बॉर्डर एंड पूरा वर्क प्रोवाइड किया है। ये साड़ी भी स्टाइल करने पे आप देख सकते हैं कैसा लुक दे रही है। इस साड़ी की लेंथ तो काफ़ी अच्छी है बट साड़ी की चौड़ान इन्होंने थोड़ी सी छोटी रखी है, तो अगर आपकी हाइट 5'3" है या 5'4" है तभी आप इस साड़ी को बाय कीजिएगा, उससे ज़्यादा हाइट वालों के लिए साड़ी बिल्कुल नहीं है। बट अगर 5'3" है तो आँख बंद करके आप इस साड़ी में अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, किसी भी पार्टी फंक्शन में स्टाइल करने पर नो डाउट बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो फ्रेंड यही था मेरा आज का दीपावली स्पेशल मीशो साड़ी कलेक्शन, सुपर दुपर अफोर्डेबल रेंज में, वो भी आई होप आपको आज का मेरा कलेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।